नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी ड्राइव्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, और जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव, लैन कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और डिफरेंट टाइप के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनको हम कितनी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और फॉर्मेट जो मेथड है वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माई कंप्यूटर पर आना होगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जब हम अपने किसी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए जाते हैं। तो आप जस्ट उसके ऊपर जिस ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है आप उसको सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो, और राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट करके ऑप्शन मिलता है, और इस फॉर्मेट ऑप्शन को आप राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्मेट, और जस्ट आप फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हो और आपकी ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपेसिटी बता रहा है जो भी ड्राइव है इसकी, और मैं पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एलोकेशन टेबल जो फाइल सिस्टम है वो पूछ रहा है कि आप उसको NTFS से फॉर्मेट करना चाहते हो या FAT से फॉर्मेट करना चाहते हो। तो मैं आपको इसके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जो भी स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स, इनको हम FAT32 से ही फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि FAT32 जो है जनरली छोटे स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, और इसके जो पार्टीशंस होते हैं वो 4 GB तक के हम पार्टीशन इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए हम जनरली इसको FAT32 से ही फॉर्मेट करते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको NTFS से भी फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर हम अपना फाइल सिस्टम चूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा, और ये आपको वार्निंग साइन देगा कि आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपका जितना भी डेटा पेन ड्राइव के अंदर है वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए और ये थोड़ा सा समय लेगा और ये इसको फॉर्मेट कर देगा। देखिए, फॉर्मेट कम्प्लीटेड, और ये पेन ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो गई। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है किसी भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने का या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने का। इसी प्रकार से हम ड्राइव्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और देखिए, यहाँ पर जब मैंने ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए तो NTFS डिफ़ॉल्ट बता रहा है, क्योंकि जो ड्राइव का साइज़ है वो 146 GB है, और जो पेन ड्राइव मैंने फॉर्मेट की वो 1 GB की थी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो NTFS है वो 16 TB तक के पार्टीशंस को क्रिएट करता है, इसलिए जितने भी बड़े पार्टीशंस होंगे वो NTFS से ही फॉर्मेट होंगे जनरली, लेकिन आप चाहो तो इसको चेंज करके FAT भी कर सकते हो। और कंट्रोल पैनल पर आके हमें जाना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो को हम कंप्यूटर मैनेजमेंट का नाम से हम जानते हैं। एक कंप्यूटर मैनेजमेंट की एक विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे हमको चूज़ करना है डिस्क मैनेजमेंट पर। हमें क्लिक करना होगा डिस्क मैनेजमेंट पर। आप जैसे डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जितनी भी ड्राइव्स और जितने भी स्टोरेज मीडिया आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे स्टोरेज मीडिया आपको यहाँ पे शो करके दिखा दिए उसने। और जिस भी ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है आपको राइट क्लिक करके इसको ओपन, या ड्राइव को जो भी स्ट्रिंग करना है या फॉर्मेट करना है तो यहाँ से भी इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखिए, मेरी एच ड्राइव जो है ये डिस्क ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है, जो मेरी एच ड्राइव है इसको हम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं और इसके पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि हम इसको डिलीट करके इसके नए पार्टीशन भी यहाँ से हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। और यहाँ से हम इसके वॉल्यूम को भी डिलीट कर सकते हैं किसी पार्टीशन को, और दोबारा से नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब फॉर्मेटिंग होती है तभी हम कंप्यूटर के पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम फॉर्मेटिंग के बाद, विंडो इंस्टॉलेशन के बाद भी कंट्रोल पैनल के अंदर जाके, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स मैनेजमेंट के अंदर आके अपनी जो ड्राइव्स होंगी उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से अलग अलग साइज़ में डिवाइडेड कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी कंप्यूटर्स को जानना शुरू किया है, बेसिक कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होगी।
आगे चलते हैं। ये तो दो तरीके थे कि आप कंट्रोल पैनल से और जनरली आप इसको राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से सीएमडी पर जाके भी हम इस किसी भी ड्राइव्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए हम सीएमडी पर आ गए और यहाँ से हमें किसी जिस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, मान लीजिए मुझे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो मैं माई कंप्यूटर पर आता हूँ, अपनी ड्राइव का वॉल्यूम देख लेता हूँ कि मेरे वो एच ड्राइव या ई ड्राइव या जो भी ड्राइव्स आपको फॉर्मेट करनी है उसका वॉल्यूम देख लीजिए। आपको लिखना है फॉर्मेट स्पेस जो ड्राइव आपको फॉर्मेट करनी है एच ड्राइव्स, और इसके बाद स्लैश करके अगर आप कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्यू प्रेस कर दीजिए। ये इसका पूरा कमांड होगा फॉर्मेट और एच कॉलन, इसका मतलब एच ड्राइव स्लैश क्यू कोई फॉर्मेट करने के लिए। और ये आपसे पूछेगा एंटर टू कंटिन्यू एंड एंटर टू इरेज योर डेटा। अगर जो भी आपके पेन ड्राइव के अंदर या स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो भी सेव है उसको आप एंटर कर देंगे तो वो इरेज हो जाएगा, और आप इसको एंटर कर दीजिए तो ये इसको फॉर्मेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद ये फॉर्मेट करने के बाद आपसे पूछेगा कि 11 कैरेक्टर का कोई भी आप एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 11 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि FAT32 जो है 11 कैरेक्टर की ड्राइव्स या डायरेक्टरी को क्रिएट करता है, और NTFS जो है 255 तक के कैरेक्टर की वॉल्यूम्स को क्रिएट कर सकता है या डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने FAT32 से इसको फॉर्मेट किया है, तो यहाँ पे हम कोई भी 11 कैरेक्टर की वॉल्यूम का नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डेटा दे दिया डेटा, और आप इसको एंटर कर दीजिए तो ये आपकी जो वॉल्यूम है आपका एच ड्राइव ये फॉर्मेट हो गया। और इसको आप जाके देखिए चेक कर सकते हो कि इसका जो नाम है वो नाम चेंज होके डेटा नाम आ गया। ये फॉर्मेट का तरीका था। ये आप इसको डॉस कमांड से भी फॉर्मेट कर सकते हो और अदर ड्राइव्स को भी फॉर्मेट कर सकते हो। आपको जस्ट फॉर्मेट कमांड लिखना है फॉर्मेट, और जो भी ड्राइव्स आपको फॉर्मेट करनी है ई ड्राइव या जो भी ड्राइव, इसके साथ इसको आपको कॉलन प्रेस करना है स्लैश क्यू लिखना है और इसको फॉर्मेट कर देना है। कभी कभी हमारे पेन ड्राइव में वायरस आ जाता है, हम जनरली उसको माई कंप्यूटर से फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मेट नहीं होती, तो आप इसको यहाँ पर आकर भी फॉर्मेट कर सकते हो डॉस कमांड से। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।